मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों को मेरी ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन बंधुओं, मेरे मन में बहुत पहले से हिंदी भाषा की स्थिति को लेकर, दयनीय स्थिति को लेकर बहुत सारी वेदनाएं हैं। अभी रात के 11:50 हो रहे हैं। मैंने पिछले एक घंटे में मैंने कुछ लाइनें हिंदी भाषा को लेकर लिखी हैं, जो बहुत समय से मेरे मन में थी, जो मैंने भी फेस किया है, जो मैंने भी देखा है, जो मैंने हिंदी भाषा की स्थिति देखी है, कुछ मैं उन लाइनों में आपको सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि हिंदी भाषा भी यही सोच रही हो। आपके जो भी विचार होंगे आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे भाषा बने रहने दीजिए, इसे बोली बनाकर एक दिन आप भूल मत जाइए। इसलिए मैं आज अपने एक, मेरा टाइटल है हिंदी को सांस लेने दें, मेरे पोयम का शीर्षक। तो आज मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सारे हिंदुस्तानी जो हिंदी भाषा से संबंध रखते हैं या किसी भी भाषा से संबंध रखते हैं, अगर आपकी भाषा विलुप्ति की कगार पर है तो इन लाइनों को ज़रूर आप समझेंगे। तो आइए, आपके सामने मैं अपनी कुछ लाइनें रखती हूँ। 12 बजने से पहले पहले मैं ये आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो सुनिए, आज हिंदी दिवस में हिंदी की याद आ गई, कुछ जानी पहचानी सी बोली याद आ गई। भाषा है ये, इसको कब तक कौन बतलाएगा? भाषा है ये, इसको कब तक कोई बतलाएगा? आज हिंदुस्तान में एक दिन के लिए हिंदी का जन्मदिवस मनाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहे ये सोचकर, ये जानकर, ये मानकर इंग्लिश इतरा रही सारे भाषाओं की जननी। संस्कृत आज मुरझा रही। कौन कहता है आज़ाद हैं हम? आज जंजीर पाँव में नहीं, जबान पे लगाम लगा रही। ले रही हिंदी हमारी आखिरी सांसें, आँखों में सुसंस्कार के सपने देख रही। आज हिंदुस्तानी मना रहे हिंदी दिवस, बाजार में इंग्लिश में बधाइयाँ चल रही। ना रहा रहीम ना रहा करीम, भूल गए हम तुलसी व्यास, सनातन धर्म के वंशज ही कर रहे रामकृष्ण के सच की मांग। रुको अभी सब्र करो, 12 बजने तक हिंदी को जी लेने दो। रुको अभी सब्र करो, 12 बजने तक हिंदी को जी लेने दो। थोड़ा वक्त उसे भी अपनी माँ की गोद में थोड़ी सी चैन की सांस ले लेने दो। हिंदी को बचाओ और हिंदी को संभालो, इसे भाषा रहने दो, इसे बोली ना बनाओ। धन्यवाद।